हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू तो हमारी क्विक रिविजन हो गई थी और आज आपको पता है हमारा एग्ज़ाम है और टू मार्क्स के क्वेश्चन रहते थे अभी पेंडिंग जो मैंने अभी रिवाइज़ नहीं करवाए थे आपको सो लेट्स स्टार्ट विद द टू मार्क्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं ठीक है जी तो सबसे पहले एजाम्शंस क्या होती हैं बाई सीरियल की तो मैंने बताया था बाई सीरियल हो गया टेट्राकोरिक हो गया फाइक ऑफिशेंट हो गया पॉइंट बाई सीरियल हो गया सबके सबकेम्पन सेम है। पहला एजाम्शन है कॉन्टीन्यूटी दूसरा है दैट इट स्प्लिट्स नियर द मीडियन एंड थर्ड है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है ठीक है जी अब मेजरमेंट क्या होती है मेजरमेंट होती है जब हम किसी भी चीज़ को कोई नमेरिकल वैल्यू दे देते हैं नंबर्स में डिनोट करते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ठीक है जी अब एक क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रास्टर्स ठीक है बच्चे कन्फ्यूज थे एक्चुअल में डिस्ट्रेटर्स हैं क्या तो ये क्या होता है कि जैसे हमें किस आ, टीचर ने टेस्ट दिया ऑप्शन वाला टेस्ट था और हमने क्या किया उस आंसर को करेक्ट किया तो कितने परसेंट बच्चों ने सेम आंसर दिया उसी क्वेश्चन का वो होती है डिस्ट्रेटर्स ठीक है ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है ताकि हम बच्चे की इनडेप्थ एक्यूरेसी और नॉलेज चेक कर सकें ओके देन कम अजाम्पन्स ऑफ अनोवा तो अनोवा के क्या एजॉम्पन्स होते हैं पहला एजाम्पन होता है कि सैम्पलिंग इज डन करेक्टली दूसरा एजाम्पन है कि जो वेरिएबल होता है ना बिटवीन एंड विद इन सैम्पल वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं राइट right? देन कम्स रेशो स्केल क्या होता है चार तरह के स्केल्स थे नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशो तो जी रेशो क्या होता है चार तीनों का कॉम्बिनेशन होता है नॉमिनल ऑर्डिनल और इंटरवल का मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये ज़ीरो भी हो सकता है और यूनिट कन्वर्जन में भी काम आ सकता है यूनिट कन्वर्जन में जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना लीटर को मिलीलीटर में वैसे ठीक है जी अब आते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो टेस्ट विच डोंट रिक्वायर द डिस्ट्रीब्यूशन टू मीट द रिक्वायर्ड एजाम्पशंस ठीक है जी वो टेस्ट है जिसको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती एजाम्शंस तक पहुंचने के लिए ठीक है रिग्रेशन की क्वेश्चन क्या आती वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी अब स्टेप्स कौन से इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना स्टेप्स हैं पहले हम प्लान करते हैं फिर डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं फिर टाइम अलॉट करते हैं देन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं देन प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एडिटिंग द ड्राफ्ट ट्राई आउट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट अब इसके बाद दो मार्क्स में मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ सारे जो इंपॉर्टेंट है मतलब ऑलमोस्ट सारे हम रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल के लिए भी रिविजन हो जाए वो भी टू मार्क्स में भी आप लर्न करके जाओगे क्योंकि कई बार वो फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं आपसे तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे बाइसीरियल कोरिलेशन का बाइसीरियल कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आर बेस इज इक्वल टू एम पी माइनस एम क्यू अपॉन एस डी मल्टीप्लाई पी क्यू अपॉन म्यू ठीक है एम पी कैसे निकालते हैं आपको पता है एम पी एम क्यू और एम टी एक तरह से ही निकालते हैं दैट इज एम एज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई आई ठीक है जी तो वैसे ही एम क्यू निकालना, निकालना है वैसे ही एम टी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं आई रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी अपॉन एन दी होल स्क्वायर ठीक है पी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप अपॉन टोटल नंबर एंड क्यू निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ग्रुप अपॉन टोटल नंबर ठीक है न्यूमेरिकल्स अभी भी आपने नहीं देखे तो जाके प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा कि बाई सीरियल के हमने कैसे सॉल्व करने हैं फिर आते हैं पॉइंट बाई सीरियल पे सारा फॉर्मूला सेम चलेगा बस यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई रूट ऑफ पी क्यू ठीक है फिर आते हैं टेट्राकोरिक एंड फाइक ऑफिशियट जो इंपॉर्टेंट है टेट्राकोरिक आर टी इज इक्वल टू कोजाइन वन एटी डिग्री मल्टीप्लाई रूट बी सी अपॉन रूट ए डी प्लस रूट बी सी सेम वही फाइक ऑफिशेंट है ए डी माइनस बी सी अपॉन मतलब ए डी और बी सी के बीच में ही चल रहा है ये सारा ठीक है याद रखना ए डी माइनस बी सी अपॉन रूट ए प्लस बी सी प्लस डी ए प्लस सी एंड बी प्लस डी सारे का रूट है ही ठीक है जी फिर आते हैं पार्शियल कोरिलेशन पे तो वो कैसे निकालते हैं वन टू पॉइंट थ्री मतलब दो वेरिएबल्स के बीच जब तीसरा आ जाता है ठीक है तो हम उसको कैसे निकालेंगे वन टू जिसकी हमने निकालनी है माइनस जो हमने बाहर निकालना दैट इज वन थ्री एंड टू थ्री अपॉन रूट ऑफ वन माइनस यही वन थ्री का स्क्वायर एंड वन माइनस टू थ्री का स्क्वायर ठीक है मल्टीपल निकालना तो इसमें एक डिपेंडेंट होता है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करते हैं होल द रूट वन टू स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर माइनस टू आर वन टू वन थ्री आर टू थ्री अपॉन वन माइनस टू थ्री का स्क्वायर रिग्रेशन की क्वेश्चन क्या थी वाईज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एम निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम दैट इज सम प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन अपॉन स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड बी निकालना है तो मीन ऑफ वाई माइनस एम मल्टीप्लाई मीन ऑफ एक्स ठीक है अनोवा टू वे का क्या है पहले ग्रैंड टोटल और करेक्शन फैक्टर निकाल दो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला टी स्क्वायेर ऑफ एन फिर एस एस सी निकालोगे मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम देन एस एस आर सम्क्वायर ऑफ रोज देन टोटल निकालोगे और फिर एरर निकालोगे ठीक है ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो पेपर में जाने से पहले आपको पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से ही आपको न्यूमेरिकल आने हैं ठीक है एंड आई होप टू दिस वीडियो फुल फॉर यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच